नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं हुज़ैफ़ा गोर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की है। बैठक में बंसल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर के सिंचाई विभाग के लिए गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी चुनावी पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साल के 365 दिन जनता के लिए कार्य करते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 15 सितंबर तक प्रदेश भर की 70 विधानसभाओं में शक्ति बूथों तक संवाद कार्य पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल चुनावी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता सब 365 दिन 24/7 समाज के बीच में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, संवाद निरंतर चलता रहता है। लेकिन चुनाव के समय कुछ अतिरिक्त प्रयत्न होता है, उसके हिसाब से इस समय पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं को प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के सभी दावेदार अपने आप को जनता हितेशी और जनता के जनहित मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने वाला योद्धा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की काशीपुर विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट में से एक है, जिस पर 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिसको हराना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव का समीकरण कुछ और बनते हुए दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो हरभजन सिंह चीमा मोदी जी के एच फैक्टर में सेट नहीं बैठते हैं, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी और चेहरे पर काशीपुर विधानसभा सीट पर दांव खेल सकती है। लेकिन कांग्रेस के लगातार 24 घंटे के विरोध प्रदर्शन ने ही कांग्रेसियों की पोल खोल कर रख दी है। दिन के उजाले में प्रदर्शन के लिए 2 दर्जनों से अधिक दावेदार कांग्रेसी प्रदर्शन में दिखाई दिए, लेकिन ढलते सूरज के साथ टिकट के दावेदार कांग्रेसी भी प्रदर्शन से छुमंतर होते हुए दिखाई दिए। देर रात के प्रदर्शन में सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और कुछ कांग्रेसी ही दिखाई दिए। वहीं मौके पर उपस्थित महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कैमरे के आगे तो खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। तो नहीं कहूँगा ढोंगिया नाटक, लेकिन जुनून होता है। उस जुनून को जो है, मैं जुनून के हद तक जाना चाहता हूँ और काशीपुर की समस्याओं से और काशीपुर की जनता से बहुत नज़दीकी से रूबरू होना चाहता हूँ, इसीलिए आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले 85 बार इसी प्रकार से जनता के लिए आता रहा, बैठा रहा और आगे भी भविष्य में ऐसा करता रहूँगा। निश्चित रूप से हमारी पार्टी मसूरी शहर में कांग्रेस ने खेल को बढ़ावा दिए जाने को लेकर मसूरी के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट और ड्रेस दी गई। वहीं इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने सरकार से मसूरी का एकमात्र सर्व ऑफ इंडिया के मैदान को खिलाड़ियों को खेलने की मांग की है। वहीं गौरव अग्रवाल ने कहा कि मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु उनके खेल को निखारने के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। यहां पर खेल मैदान की बहुत बड़ी कमी है। वहीं गौरव अग्रवाल ने कहा कि मसूरी से पूर्व में भिलाड़ू स्टेडियम बनाए जाने को लेकर सरकार ने कार्य को शुरू किया था, परंतु तकनीकी कारणों की वजह से वह भी नहीं बन पा रहा है। बहुत ही सम्मानित यह महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा पहला प्यार हमेशा था, आज भी है। और आज एक हमने छोटा सा यह प्रयास किया कि हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें कुछ कुछ चीजों का आवश्यकता थी, उन्होंने यह मुझे कहा और मुझे बहुत ही अच्छा यह लगा। और मैंने यह दिल से, मैं और भी आगे जाके यह कोशिश करता रहूंगा कि मैं इनकी जितनी भी। हरिद्वार में युवक की गंदी नियत उसी पर भारी पड़ गई। दरअसल युवक एक लड़की को कई बार बार कॉल कर परेशान कर रहा था।
हरिद्वार में युवक की गंदी नियत उसी पर भारी पड़ गई। दरअसल युवक एक लड़की को बार बार कॉल करता था और अश्लील मैसेज भेजता था। लड़की ने इसकी शिकायत अब जब अपने घर वालों से की तो लड़की के परिजनों ने युवक को रास्ते में पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, पकड़ में आए युवक को लड़की ने भी चप्पलों से पीटा। घटना ज्वालापुर क्षेत्र के जड़वाड़ा पुल के पास की बताई जा रही है, जहां पर मारपीट के दौरान मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। वही पिटाई के बाद युवक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे कभी ऐसी हरकत न करने की भी बात कही। वही लड़की का कहना है यह है कि युवक कई दिनों से उसे अश्लील मैसेज कर रहा था और कॉल करके परेशान कर रहा था। मना करने के बावजूद भी युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इस संबंध में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। रुड़की के भगवानपुर में हुई ऊर्जा निगम के लाइनमैन की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके और मरने वाले बालेश के एक महिला से अवैध संबंध थे। बालेश के कारण पिछले कुछ दिनों से महिला उसके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही थी, इसलिए उसने बालेश की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया है। रुड़की सिविल लाइन्स कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए SSP हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि 11 अगस्त को ऊर्जा निगम के लाइनमैन वाले की लव्या गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तारीख 12 अगस्त को एक मर्डर हुआ था भगवानपुर थाना क्षेत्र में। एक बालेश नाम के व्यक्ति है, उनका मर्डर हुआ था रात को 9 बजे और ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें कि पुलिस के पास इनिशियली कोई भी क्लू, कोई भी सुराग नहीं था। 2-3 लाइन पर पुलिस ने काम किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले एक महीने से इस पर भगवानपुर पुलिस और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस पर, हमारे SP देहर साहब हैं और CO साहब हैं, ये लगातार। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरेंद्र नगर में अतिथि शिक्षक गर्जे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्रियों को ज्ञापन भी भेजा गया। वहीं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रसारित किया गया। प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन के आह्वान पर जिले के 9 विकास खंडों से अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं सुबह से ही जिला शिक्षा कार्यालय नरेंद्र नगर पहुंचने शुरू हो गई थी। जिले के कोने कोने से नरेंद्र नगर जिला मुख्य अधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचे अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। विद्यालय में शिक्षक काम कर रहा है, विद्यालय में वो पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो रिक्त है। अरे भाई, हम रिक्त क्या है, क्या हम भूत है? कहने का अर्थ यह है कि आदमी जब वहाँ मौजूद है, आप वो रिक्त कैसे कह सकते हैं? तो गृह जनपद में वापसी और दूसरा जो है हमारे पद सुरक्षित रखे जाए। सर, अगर हमारी तनख्वाह 15,000 से 25,000 भी हो जाती तो उसके क्या मायने हैं? अगर हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहा है तो मेरी जो है सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें जो है गृह जनपद में वापसी दिलाए और दूसरा जो है हमारे पदों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जो है हम पूर्ण मनोयोग से जो है अपना कार्य कर सके। और शिक्षा विभाग का उसमें धरना और प्रदर्शन 2 दिवसीय यहाँ पर आज प्रारंभ किया है और इनके 2 सूत्रीय मांगे हैं। 2 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांग है कि सरकार, हम जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं सरकार उसको रिक्त मान रही है। रिक्त का मतलब है कि ये अध्यापक है ही नहीं वहाँ। दूसरी बात यह है कि कम वेतन पर भारी जनपदों में हम भाजपुर पुलिस ने बीते दिन हुई मारपीट और लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के पास से घटना के दौरान लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी बरामद किया है। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन भाजपुर नगर पालिका के समीप अमित पाल की दुकान पर कुछ युवकों द्वारा अमित के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके उपरांत दबंग युवकों ने अमित की लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी छीन लिया था। बाजपुर पे एक तहरीरी सूचना के आधार पर एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि वादी के छोटे भाई की दुकान में घुसकर 6-7 अज्ञात हमलावरों ने उसके साथ मारपिटाई की है और साथ ही साथ उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट के ले गए हैं। मौके पर जाके पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और CCTV फुटेज का हमने अवलोकन किया। CCTV फुटेज से हमने लगभग 8 हमलावरों को इसमें आइडेंटिफाई किया है। हमारे थाने से 2 टीमें निकलकर हमने इसमें छापेमारी की सभी संभावित ठिकानों पर। इसके आधार पर हमने 4 अभियुक्तों को I-20 कार के साथ और जो रिवॉल्वर वो लूट कर लेके गए थे।
देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कृति नगर में विधायक विनोद कंडारी ने 2 करोड़ की लागत से बनने जा रहे ब्लॉक कार्यालय की नींव रखी। हालांकि इस काम का शुभ आरंभ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को करना था, लेकिन तबियत बिगड़ने के कारण मंत्री हरक सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि नाराजगी के चलते हरक सिंह रावत ने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। इसके अलावा कीर्ति नगर में सोमवार को एक रोजगार मेला का आयोजन भी किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, माननीय मंत्री जी को मेरे कल मैंने उनसे आग्रह किया था, उनका स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाए, मेरी कुछ उनसे बात होगी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 8 बजे चलूंगा, इस कारण मुझे कुड़दार से बुलाना था। देखिए, मेरे लिए आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मैं आज अपने कितने ब्लॉक की जनता को और यहाँ के सभी प्रमुख जी को, क्षेत्र पंचायतों को, प्रधानों को। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।